Bhagata tumi ojaiya. Katha shuniya asiya chi natha tomar charana tale bhakti vinoda kandiya kandiya apana kahini bale apana kahini bale he mana durmati samsara bhitare Bhadiya Achinu Ami इस प्रकार से है हे नाथ मैं एक पापी हूँ तथा इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ परंतु आपने अहेतु की कृपावश एक महापुरुष को जो कि आपको अतिशय प्रिय है मेरे उद्धार हेतु भेज दिया है उन्होंने मुझे ऐसी पतित अवस्था में देखकर दयावश मेरे पास आकर कहा हे दीनजन मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो इनको सुनने से तुम्हारा हृदय हर्षित होगा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपका उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतरित हुए हैं उन्होंने आपके जैसे अनेक अनेक पतित एवं पापियों का भौतिक संसार से उद्धार कर दिया है वेदों की वाणी को सत्य करने हेतु वे स्वर्णिम कांति धारण करके नवद्वीप में ब्राह्मण पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद ने नादिया के समस्त लोगों को पवित्र नाम के जप से आप्लावित कर मदोन्मत्त कर दिया है भगवान चैतन्य कृष्ण से अभिन्न है जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं उन्होंने अपना पवित्र नाम वितरित करके संपूर्ण विश्व के लोगों का उद्धार कर दिया आपको चाहिए कि आप उनकी शरण में जाएं और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगे हे नाथ इन शब्दों को सुनने के पश्चात मैं आपके चरण कमल निकट आया हूँ अतः भक्तों ठाकुर रोते रोते अपनी कथा भगवान से कहते हैं श्रील भक्तों ठाकुर की जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षात् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripatindubhya Ibhaja Patitanama Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharane. Nirvisesha Shunyavadi Pasyatya Desha Tarine Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Nishe Namaha Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudodaye Pushpavantau Chitrau Shandau Tamonudau Hare Krishna Tavse Bhakto Hardi Swagata Pratha Kalin Kakshame आज का विषय हम चेतन चरितामृत लगभग लगभग नहीं अगले 45 मिनट में एक मेरे लिए चुनौती है कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है चेतन चरितामृत लगभग में आदि लीला से लेकर अंत लीला तक आदि लीला मध्य लीला अंत लीला तक जितने प्रमुख मतलब ऑफ कोर्स कविराज गोस्वामी खुद भी लिख रहे हैं केवल मैंने प्रमुख प्रमुख पास्ट टाइम लिए हैं और उसमें से जो प्रमुख प्रमुख सेक्शन है कुछ वो मैंने उसको इस थीम के अंदर कैटेगराइज करने का प्रयास किया है कि चैतन्य महाप्रभु के उपहार तो ये फर्स्ट पार्ट आज के हमारे सत्र का रहेगा और दूसरा पार्ट चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या उपहार हम दे सकते हैं है ना तो ये दो पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सभी जानते हैं कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कि कृष्ण भगवान भी सोचते हैं कि जो है मैंने बहुत समय से लोगों को अपना स्वयं का ब्रज प्रेम नहीं दिया है ब्रज अर्थात वेयर गॉड हेड लूजेस हिज गॉडहुड जहां पे भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं जब मधुरता के सामने तो ऐसा प्रेम मैंने लोगों को नहीं दिया है तो क्यों ना ऐसा लोग दो ऐश्वर्य ज्ञान दिया है विधि मार्ग दिया है तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं वो कृष्ण को प्रदान करने वाले नहीं है कृष्ण प्रेम वो वस्तु है जिसे कृष्ण को भी प्राप्त नहीं होती है कृष्ण स्वयं के पास भी कृष्ण प्रेम नहीं है वो प्रेम किसके पास है श्रीमती राधा रानी के पास और भक्तों के पास तो कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण जो वो वस्तु बांटने के लिए जो उनके स्वयं के पास नहीं है मतलब उसको उन्होंने इकट्ठा करके उसको एसिमुलेट करके और बाद में हम सबको बांटने के लिए कृष्ण जिस रूप में आए वह श्री कृष्ण चैतन्य तो महाप्रभु जो आए हैं बहुत सारे उपहार उन्होंने हमें दिए हैं इसीलिए ताकि इस गौर पूर्णिमा पे हम इस चैतन्य महाप्रभु के अवतार का चैतन्य महाप्रभु का जो है आभार प्रकट कर सकें और उन्होंने हम पे जो अहेतु की कृपा की है उस कृपा के हम कुछ अंश मात्र भी रेसिप्रोकेट कैसे कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है मोर और लेस चैतन्य चरितामृत पे ही आधारित है ऐसे देखो कि शाम को सबक चैतन्य भागवत से वैसे ही सुन रहे हैं तो चैतन्य भागवत से मैंने एक और दो लीला ही लिया है बस अधिकांश सारा लीला जो है चैतन्य चरितामृत से कविराज गोस्वामी का लिखा गया है तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पहला उपहार जो हमें दिया गया है वो है उज्ज्वल रस जो है क्या है ये श्री श्री राधा और कृष्ण की उपासना और किस भाव के अंदर ब्रज भाव के अंदर विरह के भाव के अंदर अब देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर या पूरे विश्व भर के अंदर आपने बहुत सारे पुरातन मंदिर सुने होंगे बालाजी का मंदिर है जगन्नाथपुरी का मंदिर है या श्रीनाथ जी हैं या फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश है द्वारका में बद्रीनाथ हैं श्रीरंगम है कांचीपुरम है गुरुवायूर है इत्यादि बहुत सारे कृष्ण मंदिर मिलेंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर मिलेंगे या कोदंड राम सीताराम के मंदिर मिलेंगे लेकिन 500 वर्ष से पूर्व
ऐसा एक भी मंदिर नहीं होगा जहां राधा कृष्ण का मंदिर आपने सुना हो। सुने हैं आपके नॉलेज के अंदर कि राधा कृष्ण का यह विग्रह 600 साल पुराना है, 800 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमको कैसे प्राप्त होगा? ये राधा कृष्ण की जो वर्षिप हम कर रहे हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की देन है। इससे पहले अन्य अवतार लक्ष्मी, नारायण, विष्णु, सीताराम, कृष्ण भगवान भी होंगे पुराने, लेकिन राधा रानी के साथ में नहीं थे। राधा रानी के साथ में उपासना करने का जो ब्रज के भाव के अंदर, क्योंकि राधा कृष्ण की उपासना की जाती है वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर जो है राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, उस भाव में केवल और केवल ब्रज के अंदर ही, और उस भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और इसीलिए कविराज गोस्वामी अपने मंगलाचरण में लिख रहे हैं, अनार्पिता चरिम चिनात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल स्वरसाम रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः श्री शचिनंदनः। अनार्पिता चरिम चिरात, कि बहुत ही लंबे समय तक जिस चीज को आज तक अभी दिया नहीं गया था, जिसे इसके पूर्व किसी अन्य अवतार ने नहीं दिया था, अनार्पित अर्पित मतलब दिया गया, अनार्पित नहीं दिया गया था, कब तक? चरिम चिरात, लंबे समय तक। करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणा के अवतार ने इस कलयुग के अंदर समर्पयितुम तुम दे दिया, किसको? क्या दिया? उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस। क्या है वो उन्नत उज्ज्वल रस? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने इसके अंदर कि जो है माधुर्य रस, ये खजाना रसाम स्वभक्ति श्रीयाम, और अपनी भक्ति का जो खजाना है, निधि है, वो बांटने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु शचिनंदन रूप में प्रकट हुए हैं, और वो कलयुग में अपने अहेतु कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। इस रस को पहले किसने प्रदान नहीं किया था? जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। इस ब्रज भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, कृष्ण आए, उन लीलाओं को प्रदर्शित किया उन्होंने, लेकिन उस लीलाओं के उस रस का मार्केटिंग किया चैतन्य महाप्रभु ने, उसको बांटा श्री चैतन्य महाप्रभु ने। नहीं तो हमको पता नहीं होता राधा रानी कौन है, राधा रानी का भाव क्या है, क्योंकि भागवतम के अंदर भी सुखदेव गोस्वामी स्किप कर गए राधा रानी के विषय के अंदर ज्यादा बोलने से, डायरेक्टली तो सिर्फ एक ही नाम लिया, अन्य आराधितो गोपी जो है, कि एक अन्य गोपी जिसकी सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया हूं, क्योंकि ले लेते तो भागवत सप्ताह पूरा नहीं होता उनका, वो वही भावावेश में आ जाते हैं, तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत में भी वो नाम नहीं, राधा रानी के लीला को नहीं ज्यादा विस्तार से बोला उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो कृपा अवतार है जिन्होंने ये रस हमको प्रदान किया। तो पहला मेलो ऑफ कंजुगल लव या विरह का जो विरह के भाव में ब्रज प्रेम में जो सेवा करने का जो ब्रज प्रेम ब्रज रस देने चैतन्य महाप्रभु का पहला उपहार है। किस प्रकार ये रस दिया चैतन्य महाप्रभु ने सबको? क्या माध्यम चुना? महाप्रभु चुना हरि नाम। जो है भगवान कृष्ण सोच रहे थे, कह रहे हैं युग धर्म प्रवाहित प्रवर्तमो नाम संकीर्तन चारी भावी भक्ति दिया नाचामो भुवन। इससे पहले भगवान कह रहे थे ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। भय और सम्मान में वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है, चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा? ये नहीं, मैं लोगों को नाम संकीर्तन ब्रज प्रेम देने वाला हूं। कैसे दूंगा? मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का था पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा, और संसार को प्रेम भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। इतना सरल प्रोसेस है, चैंटिंग एंड डांसिंग, ये करने के लिए महाप्रभु कह रहे सबको मैं देने आऊंगा। और कैसे करूंगा? आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे आपनी आचरी प्रभु भक्ति शिखाई मु सवारे। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके शिक्षा दूंगा। अभी तक तो जितने भी अवतार आए थे तो जो असुरों का वध कर दिया उन्होंने, जैसे राम लक्ष्मण को कह रहे थे कलयुग के अंदर असुर कहाँ है, मतलब एक ही देह के अंदर, चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार है जिन्होंने उस दैत्यों का वध नहीं किया। नरसिंह देव आए थोड़ी देर के लिए खंभे से प्रकट हुए, ऑपरेशन किया, चले गए वापस, है कि नहीं?
लेकिन ऐसा नहीं किया कि हिरण्यकशिपु का हृदय परिवर्तन कर दिया हो, ऐसा नहीं किया। भगवान रामचंद्र है, रावण कुंभकर्ण और खर दूषण मारीच इत्यादि का वध किया और लीला किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वही रावण और कुंभकर्ण जगाई बधाई के रूप में जब आते हैं है ना, तो उनका महाप्रभु उद्धार करते हैं। जो है इतने पापी थे, हमने ये लीला अभी इलाहाबाद में कुछ दिनों पहले सुनाया था भक्तों को, तो आप में से बहुत भक्तों को नहीं पता हो, चैतन्य भागवत के अंदर जो मध्य खंड के अंदर 13वां अध्याय है उसका शीर्षक है जगाई मधाई का उद्धार। तो जगाई मधाई का जब उद्धार हो गया तो सब भक्त बिल्कुल प्रसन्न हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अगले अध्याय का नाम जानते हैं क्या है? यमराज संकीर्तन। क्योंकि सब देवताओं को इतना शौक लग गया, सब कीर्तन गा रहे थे, आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गणे, शिव शुक नारद देखे, क्या है शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्ति विनोद करे गौरा, तो सब नृत्य कर रहे थे, ऐसी कृपा सबको बढ़ रही है। यमराज ने सुना इतना शोर कहां से हो रहा है, तो चित्रगुप्त से पूछा। चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज ये जगाई मधाई, और लिटरली ये चैतन्य भागवत चित्रगुप्त के वर्ड है यमराज को, कहते हैं कि लिखते लिखते हमारे जो स्क्राइब हैं, जो लिखते हैं पापों की गणना करते हैं, वो ओवर टाइम कर करके थक गए थे। जितना हार्ड डिस्क था सब खत्म हो चुका था, जितना स्टोरेज स्पेस था उनके पास, और बेचारे रिजाइन देने को तैयार थे, बोले इतना पाप हम नहीं लिख सकते, कितना भी ओवर टाइम करा लो लेकिन हमारी लिमिट भी क्रॉस हो गई है। और महाप्रभु के एक क्लिक से पूरा अंडू, पूरा रिसाइकल बिन, परमानेंटली डिलीट स्टोरेज, एक कंडीशन में था, लेकिन वो क्या था? इसके बाद पाप मत करना, अभी तो सारे पाप मैं ले रहा हूं लेकिन इसके बाद पाप मत करना, ये कंडीशन कहते हैं महाप्रभु। तो यमराज जब सुना कि जगाई मधाई का उद्धार हो गया, वो अपने चैरियट के ऊपर रथ के ऊपर ही बेहोश हो गए। तो शिवजी ब्रह्मा जी देवता इंद्र वरुण वायु सब वहां आते, बोले इनको क्या हुआ, सब पूछते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो है महाप्रभु ने इतने इस प्रकार के जो है स्वयं भक्त बन के इसका अभ्यास कराया। तो अन्य अवतार लीला करते हैं लेकिन महाप्रभु एक आचार्य का रूप, एक शिक्षक का, एक टीचर का रूप धारण करते हैं और अपने स्वयं के आचार से सिखाते हैं। क्यों ऐसा महाप्रभु? कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं, आपने ना कैल धर्म सिखा ना जाया, इत सिद्धांत गीता भागवते गाया। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी तरह गीता और भागवत में हुई है। कहने जब तक मैं खुद आस्वादन नहीं करूंगा दूसरों को कैसे करूंगा, ये कृष्ण स्वयं सोच रहे हैं। यद यदात अति श्रेष्ठ तत्त एवे तरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकसत अनुवर्तते। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं सबको सिखाऊंगा। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हईते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। मेरे जितने अंश है ना वो सब तो युग धर्म स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ब्रज प्रेम देना हो तो मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैं स्वयं ताहाते आपन भक्त गणी करे संगे पृथ्वी ते अवतारी करीमु नाना रंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने भक्तों के साथ प्रकट होकर पृथ्वी पे अनेक अनेक लीला करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए अब एत भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण हैला कृष्ण आपनी नदी जाए। नदिया के अंदर कृष्ण कलियुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या के प्रकट होते हैं। चैतन्य सिंहेर नव द्वीप अवतार सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर अहंकार। तो इस प्रकार चैतन्य सिंह, सिंह रूप भगवान चैतन्य नवदीप प्रकट हुए, उनके कंधे सिंह जैसे हैं, शक्ति सिंह जैसी है, उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। सही सिंह वसुक जीवे हृदय कंदरे कलमश दुर्द नाश जहां रहे हुंकारे। तो वो कह रहे वह सिंह चैतन्य सिंह मेरे हृदय में आसीन हो और गर्जना करके मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करे, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। सिंह का जो जो शेरनी होती है ना उसका दूध आप स्टील के गिलास में नहीं रख सकते, वो आप तुरंत फट जाएगा, वो किसी प्लास्टिक के गिलास में नहीं रख सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सोने का पात्र चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है महाप्रभु के इन गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए जो हरिनाम संकीर्तन का ये जो माध्यम है भगवान ने दिया, और तो चैतन्य महाप्रभु के जो गिफ्ट्स हैं इसी प्रकार से हैं। चैतन्य सिंह के गिफ्ट हैं, इसको स्वीकार करना भी साधारण व्यक्ति के इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी महाप्रभु कृपा से अचानक कृपा से जो है हमको उन्होंने इसका कृपावश जो है पूरा बांटने का बंदोबस्त किया है।
अध्याय सात के अंदर ये वर्णन आता है पंच तत्व की कृपा किस प्रकार हरिनाम संकीर्तन बांटा उन्होंने सही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया पूर्व प्रेम भंडारे र मुद्रा उघाड़िया पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन जत जत प्रिय तृष्णा बाड़े अनुक्षण पुनः पुनः पियाया हय महामत नाचे कांदे हासे गाय यछे मद मत तो क्या बोले सही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया तो भगवान कृष्ण तो अखिल रसामृत मूर्ति है रसराज है प्रेम का सागर जब वो यहाँ आए थे उनके साथ आया था लेकिन प्रॉब्लम क्या थी उसका ढक्कन बंद था लेकिन इन्होंने क्या किया पंच तत्व ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त ये पांच लोगों ने क्या किया पूर्व प्रेम भंडारे र मुद्रा उघाड़िया तो उसका ढक्कन है ना वो खोल दिया जो है उस भंडार का ट्रेजर हाउस का उसको अनलॉक कर दिया उन्होंने और फिर खोलने के बाद क्या किया पांचे मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन खजाने को तो आप तिजोरी के अंदर बंद करके रखते हैं तो कृष्ण प्रेम के उस खजाने को उन्होंने उसे लूट लिया और क्या किया आस्वादन करने लगे पीने लगे कृष्ण प्रेम को यता यता पिए तृष्णे तृष्णा बाढ़े अनुक्षण जितना पीते गए तो क्या होता गया प्यास बुझती गई बढ़ती गई है ना बढ़ती गई तो होता क्या गया और पीते गए पुनः पुनः पिया यह है महामत पीते पीते ओरिजिनल ड्रंक कार्ड हरिदास ठाकुर ने अद्वैताचार्य उस दिन का रिपोर्ट लेकर जगाई मधाई के लीला में रिपोर्ट लेकर क्या अद्वैताचार्य बोल रहे थे कि किस पार्टनर को दे दिया मेरा प्रीचिंग पार्टनर कैसा है देखो नित्यानंद अवधूत आज जान बची है तो अद्वैताचार्य कह रहे देखो ये नित्यानंद खुद भी एक नशा नशेड़ी है इसीलिए उन दो नशेड़ियों के साथ जाकर के इसकी जोड़ी जमती है अद्वैताचार्य का गुणगान करे कृष्ण प्रेम में महामत्त है वो तो पुनः पुनः पिया आइया हय महामत्त तो पागल हो गए पी करके और क्या किया उन्होंने नाचे गांदे हंसेगा यछे मद मत नाचते हंसते रोते और गाते थे मानो उन्मत्त हो और ऐसे पागल की भांति उन्होंने कृष्ण प्रेम का वितरण किया जय राधिकारण भगवान की जय श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय श्री कृष्ण बलराम की जय पिता गौर सुंदर भगवान की श्री प्रभुपाद की जय अब पागल है और नशे में धुत है कृष्ण प्रेम में तो क्या किया उन्होंने पात्र पात्र विचार नहीं ना ही स्थाना स्थाना यही जहां पाए तहा करे प्रेम दान कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं पी रहे हैं और उसके नशे में है पात्र अपात्र विचार नहीं ना ही स्थान स्थान कोई पात्र है अपात्र है सुपात्र है कुपात्र है ये सही स्थान है सही मुहूर्त है गलत मुहूर्त है नहीं कोई विचार नहीं पागल थोड़ी कोई विचार होता है यही जहां पाए तहा करे प्रेम दान और जहां कोई जो भी अवसर प्राप्त हो उसको क्या किया उन्होंने कृष्ण प्रेम बांट दिया जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे महाबुद्धि प्रभु के बारे में जेल के अंदर भी है ना कहां जेल का संकीर्तन प्रारंभ हुआ आगे क्या है लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुण बाड़े उछलीला प्रेम बन्या चौधरी के बेड़ाया श्री वृद्ध बालक जुवा सवारे डोबाया तो अब उस खजाने को पहले तो लूटा पिया खुद की प्यास बढ़ती गई फिर बांटा भी लेकिन ये खजाना ऐसा ना क्या हुआ इस खजाने में बढ़ोतरी होती गई कम नहीं हुआ ऐसा चेकबुक बैंक बैलेंस दिवालिया निकल गया ऐसा नहीं था वो और बढ़ता गया और जितना जितना बांटते गए उतना उतना ये खजाना जो है बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि भगवत प्रेम की बाढ़ से सारी दिशाएं आप्लावित होने लगी और स्त्री वृद्ध बालक युवा सवारे डूबा स्त्री हो वृद्ध हो बालक हो युवा हो सज्जन दुर्जन पंगु जन अंधगण प्रेम वन्या डूबा इला जगत रजन तो कृष्ण भावना में आंदोलन सारे विश्व को आप्लावित कर देगा हरेक को डुबा देगा चाहे वो सज्जन हो दुर्जन हो लंगड़ा हो धूर्त हो अशक्त हो अंधा हो कोई भी हो तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यह पुनः यहां बात दोहराई जा सकती है कि भले ही ईर्ष्यालु धूर्त विरोध प्रकट करें एनीवे कि यूरोपीय अमरीकियों को संन्यास नहीं दिया जा सकता किंतु विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कौन भद्र है कौन धूर्त है यह है महाप्रभु का आंदोलन है ना पात्र देख करके तो कृष्ण कृपा करते हैं सरेंडर किया तो कृपा करूंगा पंच तत्व कैसे करते हैं जो मिल गए अहेतु की कृपा जो है ना वो उनका प्रोसेस है हरिनाम के माध्यम से और जगत डूबीला जीवर हैला बीज नाश तहा देखी पांच जनेर परम उल्लास और जब उन्होंने देखा कि पूरा जगत भगवत प्रेम में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज नष्ट हो चुका है तो वे सब बहुत प्रसन्न हुए और फिर महाप्रभु ने सोचा ओहो हो
इतना बांटने के बाद भी कुछ लोग रह गए. कौन लोग रह गए? मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जत पड़ुआ अधम सही सब महादक्ष धाया पलाइला सही वन्य तासवारे छुड़ी दे नारिला. ये लोग इतने एक्सपर्ट थे, भाग गए. कौन कौन? मायावादी कर्म सकाम कर्मी तार्किक कुतार्किक छत्म तार्किक और निंदक और निम्न श्रेणी के विद्यार्थी, ये सब भाग गए वहां से. अब इनको भी तो पकड़ के लाना पड़ेगा. तो क्या करूं? तो मैं क्या करूंगा कि कुछ विचार करने लगे, कुछ तो विचार निकालना पड़ेगा. एता बलि मने किछु करिया विचार संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार. तो ये सोच करके महाप्रभु ने उनको डुबाने के लिए क्या किया? संन्यास आश्रम ग्रहण किया. जो है कि क्योंकि संन्यास लूंगा तो ये सब जो है मेरा आदर करेंगे. और फिर ऐसे ही महाप्रभु ने वाराणसी के अंदर हरिनाम संकीर्तन के विषय में चर्चा होती है किसके साथ? प्रकाशानंद सरस्वती के साथ. प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में जब वार्ता होती है तो वो पूछते हैं प्रकाश सरस्वती कि आप हमारे साथ में जो है क्यों नहीं संकीर्तन करते, क्यों नहीं वेदांत का जो है चर्चा क्यों नहीं करते, और तुम ये भावुकों की तरह क्या करते हो, संकीर्तन करते हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते? सन्यासी हैया कर नर्तन गायन भावुक सब लंगे लैया कर संकीर्तन. तो भावुक तरह ये नाचना गाना क्यों करते रहते हो? प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन. मूर्ख तुमी तो मार नाही का वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार. बोले सुनिए श्रीपाद, कारण क्या है? गुरु ने क्या समझा? मूर्ख समझा वेदांत नहीं पढ़ सकता, इसलिए बोला तुम हरे कृष्ण का जप करो. और ये क्या सही मंत्रों का सार है. तो ऐसा उन्होंने बोला. और जो आज सुबह पढ़ा था, कृष्ण मंत्र हैते सब संसार मोचन कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण रचरण. कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को बहुत ही संसार छुटकारा मिल सकता है और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं. नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म. और कलयुग के अंदर जो है भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि समस्त वैदिक स्रोतों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है. तो बोला एक श्लोक मेरे गुरु महाराज ने सिखाया मुझे, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे आप. क्या श्लोक था वो? हरेर नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर अन्यथा. ऐसा श्लोक क्यों दिया? बृहन्नारदीय पुराण का श्लोक है. तो सन्यासी लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई श्लोक शास्त्र में नहीं है. अब ये श्लोक अगर टिप्पणी करेंगे तो डिफीट हो जाएंगे कि सच है ये श्लोक, है ना? और अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब शास्त्रों की बात नहीं मान रहे हैं. तो महाप्रभु ने इतना इंटेलिजेंटली उनको जो है चेकमेट कर दिया पूरा, ये स्वीकार करने के लिए कि कृष्ण के नाम का कीर्तन सर्वोदक विधि है. और फिर हुआ क्या मेरे साथ? मैं तो नाम जप कर रहा था, लेकिन फिर हुआ क्या मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? नाम जप करते करते धैर्य धरिते नारी हैलाम उन्मत हासी कांती नाची गाई ऐछे मदमत तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार कृष्णा में ज्ञान छन हैल अमार. तो मैं क्या जब नित्य गान करने लगा हरि नाम का तो नृत्य करने लगा, आंख से अश्रु बहने लगे, हंसने लगा, तो विचार ही नहीं रहा. तो एक बार बड़ी मुश्किल धैर्य धारण करके बैठा, विचार करने लगा कि कृष्ण के नाम जब से मेरा जितना भी ज्ञान था ना निमाई पंडित का, वो सब ढक गया है. तो मैं परेशान, मैं भी थोड़ा विचलित हुआ. तो गुरु जी के पास गया, पूछा कि देखो ऐसा सा हो रहा है मेरे साथ में. और फिर मैंने पूछा कि बा मंत्र दीवा को साय किबा तार बल जपीते जपीते मंत्र कोरिला पागल. बोले किबा मंत्र दीवा को साय किबा तार बल, कैसा मंत्र दिया आपने, उसका क्या शक्ति है? जपीते जपीते मंत्र कोरिला पागल, ये मंत्र ने जो है मेरे को पागल कर दिया. तो मेरे गुरु महाराज ने बोला वाह, तुमको जब पंच पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है. कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव जय जपे तारा कृष्ण उपजाए भाव. जो कोई भी कृष्ण नाम का जप करेगा उसके अंदर भाव प्रकट होएगा, है ना? तो ऐसा बोला. तो बोले मेरी क्या गलती है? देखो गुरु ने पहले मुझे मूर्ख समझा, गुरु की आज्ञा पालन किया और शास्त्र प्रमाण भी दिया हरे नाम. अब मेरे साथ ये हो गया, मैंने गुरु से वेरीफाई भी कर लिया. इस प्रकार बनारस के अंदर 10,000 मायावादियों को संन्यास लेने के चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? भक्त बना दिया. और सोचिए वहां जो वाराणसी के संकीर्तन हुआ, 10,000 सन्यासियों को लेकर के संकीर्तन जो है हुआ.
इलाहाबाद के अंदर तीन नदियां मिलती हैं, ऐसे दो मिलती है, एक हिडन रूप से गंगा जमुना सरस्वती। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गंगा और जमुना तो इलाहाबाद को नहीं डुबा पाई मिल करके, लेकिन महाप्रभु के कृष्ण प्रेम बन्या, कृष्ण प्रेम के बाढ़ में पूरे प्रयाग को डुबो दिया उन्होंने। और आपको पता नहीं होगा वाराणसी के अंदर पांच नदियां मिलती हैं, तीन नदी तो यही है और इसके अलावा एक वरुणा और एक अस्सी, इसलिए नाम पड़ा वाराणसी, पूरा नाम था काशी। तो ये पांच नदियां मिलती है फिर भी नहीं डुबा पाई वहां पे वाराणसी को। और महाप्रभु के संकीर्तन से जो है उन्होंने दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ के मंदिर जो है पूरा वहां पे संकीर्तन किया, सन्यासी मारावादी सन्यासियों को भक्त बना करके जो है। तो ये हरिनाम का एक गिफ्ट जो है, दूसरा गिफ्ट चैतन्य महाप्रभु ने दिया। लेकिन महाप्रभु बहुत बहुत ही कंसर्न है, और सब भगवान है तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, भविष्य भूत त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं। अब महाप्रभु ने तो क्या किया, दक्षिण भारत या किधर भी गए, जंगल में गए, झारखंड के चाहे दक्षिण भारत हो चाहे वृंदावन आए थे, सब जगह वो क्या करते थे, बस कीर्तन करते थे, नित्य करते थे, रोते थे, हंसते थे, लोटपोट होते थे, और जो कोई इनको देख लेता था, स्पर्श कर लेता था, वो भी कीर्तन कर लेता, नित्य करने लगता था। लेकिन महाप्रभु जानते थे भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो, और हुआ भी बाद में ऐसा हुआ महाप्रभु की, लोगों ने समझा कृष्ण भक्ति मतलब क्या है, गाओ नाचो रो लोटपोट हो और कुछ भी करो। तो कृष्णा कौशल भूखा मेरी चीप, बोले आपके चैतन्य ने भी तो ऐसे ही किया है, तो बहुत ही सस्ता ले लेंगे लोग, सहजिया लोग बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे अगर प्रॉपर शिक्षा नहीं दिया तो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हालांकि स्वयं तो आठ ही श्लोक भेजे, लेकिन अपने शिष्यों के माध्यम से उन्होंने पांच लोगों को मुख्य शिक्षाएं प्रदान की। कौन कौन थे वो, जो पांच चर्चा है, एक प्रकाशानंद सरस्वती, दूसरे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो यहाँ पे उन्होंने स्थापित किया कैसे जो है भगवान कृष्ण निराकार नहीं है, वे साकार है और एक व्यक्ति है, और भगवान की भक्ति को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद चर्चा किससे हुई, रूप और सनातन गोस्वामी, इन दोनों को इलाहाबाद और वाराणसी के अंदर शिक्षा दिया। तो रूप गोस्वामी को उन्होंने भक्त और भक्ति की रेरिटी के बारे में बताया, फिर भक्ति की भक्ति जो है भी भक्ति लता कैसे बढ़ती है उसके बारे में बताया, और तीसरा विषय क्या बताया कि उस भक्ति में मार्ग में आने वाले जो बाधाएं हैं, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छिंदे जाए सुखी तार पाता, जो है कि यदि वैष्णव अपराध भक्ति में आया तो ये पागल हाथी का उखाड़ के फेंक देगा। तो इसलिए वैष्णव अपराध से बचिए, कि इतना रेयर है भक्ति का गिफ्ट, लेकिन उसके अंदर पागल उन्मत्त हाथी को मत आने दीजिए। और उसके बाद उन्होंने क्या चर्चा किया, कृष्ण तत्व रस तत्व भक्ति तत्व प्रांत सभ्य शिखा हिला प्रभु भागवत सिद्धांत। रूप गोस्वामी को रस तत्व कृष्ण तत्व भक्ति तत्व ये सब भागवत सिद्धांत पर आधारित करके महाप्रभु ने इलाहाबाद के अंदर उन्हें जो है शिक्षा प्रदान किया। और सब पांचों रसों का कि कृष्ण से किस किस प्रकार से लोग संबंध बना सकते हैं पूरा डिटेल के अंदर विवेचना किया इसके विषय के, ताकि हम लोग सब जान सके। फिर उसके आगे जाके महाप्रभु ने बनारस में सनातन गोस्वामी से भगवान के अवतार, भगवान के माधुर्य, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के धाम की रचना, भगवान के जो है भक्ति की रचना और वैष्णव सदाचार की चर्चा, भगवान के रूप सौंदर्य की, भगवान के वंशी की, ये सब असंख्य बहुत सारे जो है डिटेल के अंदर भक्ति की चर्चा की। सनातन गोस्वामी को एम्पावर किया विशेषकर कि कैसे भक्त का आचरण होना चाहिए, इसके ऊपर ग्रंथ लिखी है। तो दोनों भाइयों ने रूप और सनातन ने क्या क्या लिखा, एक लिखा भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरे ने क्या लिखा हरि भक्ति विलास, ताकि वैष्णव का आचरण होना चाहिए, ताकि लोगों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, महाप्रभु के फॉलोवर ये होते हैं, उनका ये कार्य होता है। नहीं तो अगर ये फॉर्मेट महाप्रभु ने स्टैंडर्डाइज करके नहीं लिखा होता रूप और सनातन के द्वारा, तो क्या होता, सारे पागलों की तरह या नाच रहे होते, गा रहे होते और रो रहे होते और फिर बाजू में जाके बीड़ी फूंक रहे होते, है कि नहीं। क्योंकि देखिए अधिकांश लोग जागरण वगैरह में क्या करते हैं, वो सब अभी दो महीना पहले हम राजस्थान गए थे, हमारे गाँव में हमारे नाना जी का देहांत हो गया था, तो वहाँ प्रथा है 12 दिन तक रोज रात को जो है ऐसा कीर्तन होता है। तो शाम के अंदर देखा तो दो दिन मैं भी गया था, तो बोला आप कीर्तन करो ठीक है, लेकिन वो मंडली भी आई हुई थी तो मैं करके तो देखा वहाँ पे एक बड़ा ट्रे रहता है, ट्रे में चार खाने रहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, सुपारी बीड़ी और ऐसा कुछ ही उसी प्रकार का द्रव्य जो है तो इलायची इसी रहा, तो ऐसा करो क्यों गला सूख जाएगा, तो ऐसा महाप्रभु इन लोगों ने कोई सुरती तंबाकू नहीं खाया था,
कृष्ण प्रेम में या क्रोकोडाइल टीयर्स इजी टू क्राई इजी टू ट्राई कई लोग सिनेमा में राधा कृष्ण की लीला सुन के भी बहुत रोते हैं और फिर सिनेमा हॉल में जाएंगे कुछ हीरो हीरोइन का भी कोई मार्मिक प्रसंग हो तो वहां भी रोने लगेंगे है कि नहीं तो ऐसे बहुत सारे चीप सहजिया लोग आ सकते थे इसलिए महाप्रभु ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया वहां पे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली हैया सही बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर ये सेचन कि श्रवण कीर्तन के साधना भक्ति के मार्ग को बता दिया उन्होंने ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कोई कंफ्यूजन ना रहे पास्ट में आने के लिए और हुई भी वो कंफ्यूजन बाद में भक्ति उन्होंने ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती को क्या लड़ाई लड़नी पड़ी ये सब जाति को सही औल बौल साखी बेखी गौरांग नागरी चूड़ामणि ये सब इतने सारे अपसंप्रदाय से लड़ाई लड़ने के लिए तब जाके ये महाप्रभु की प्रिस्टीन टीचिंग वापिस हमको प्राप्त हुई जो है एनी वे लेकिन महाप्रभु ने दूर की सोच रखी थी रूपानुग जरे रह जीवन कि सब भक्त रूपानुग माने जाएंगे रूप गोस्वामी को शक्ति संचार किया इन दोनों भाइयों को वृंदावन में और आखिरी चर्चा की किसके साथ रामानंद राय के साथ वो चर्चा क्या थी राधा रानी के भाव के भी बाद जो स्टेजेस हैं वो सब की चर्चा महाप्रभु के साथ की जो किसी अवतार ने पहले बताया था राधा रानी के जो प्रेम के बाद सॉरी है ना पांच स्टेज आता है उसके बाद में भाव महाभाव और इस प्रकार से तो ये सब स्थायी भाव संचारी भाव जो हमारे किसी इमेजिनेशन के भी बाहर है लेकिन वो प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट करके हमको दे दिया चैतन्य चरितामृत के अंदर उस वार्तालाप को रिकॉर्ड किया और यही फोटो है रामानंद राय का जहाँ गोदावरी के तट पे महाप्रभु ने अपना ये रूप उनको दिखाया राधा और कृष्ण का रूप रज का रूप तो महाप्रभु का जो तीसरा गिफ्ट है वो क्या है बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा तो व्रज प्रेम कृष्ण नाम और ये कृष्ण शिक्षा लेकिन कृष्ण शिक्षा को भी अपनाने के लिए खाली शिक्षा करने का तो बहुत थ्योरी होगा इसीलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए महाप्रभु ने चौथा गिफ्ट क्या दिया वो है कृष्ण का धाम श्री वृंदावन धाम प्रकट किया अपने छह शिष्यों के माध्यम से छह गोस्वामियों के माध्यम से उनको वहां भेजा उस जगह पे कि जाओ मथुरा देश के अंदर तो माता की आज्ञा के कारण मैं नहीं जा सकता हूं सनातन गोस्वामी कहते लेकिन तुम्हारे देह से मैं वो कार्य कराना चाहता हूं उस देश के अंदर जहां मैं अपने शरीर से नहीं कर सकता हूं तो बोले मथुरा वृंदावन जाओ और वहां पे यही छह गोसाई रवे ब्रजे कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला लीला प्रकाश तो राधा कृष्ण के लोग पूजा तो करते लेकिन जानते नहीं वृंदावन क्या है जानते नहीं ये रमन रहती है कोई नहीं जानता है चीरहरण घाट है ये कालिया दह है तो ये नंदगांव है ये गोकुल है ये बरसाना है ये रावल है ये अघासुरवध लीला जहां हुई ये चौहुआ है जहां ब्रह्मा जी की लीला हुई कोई जानता ही नहीं ये सब तो फिर कैसे भक्ति करते हैं जब ब्रज नहीं दिया तो ब्रज प्रेम में क्या भक्ति कर लेते लोग है कि नहीं तो महाप्रभु ने कृपावश और अपने कृपा के हेतु बोला नहीं नहीं सारी सुविधा लोगों को दो कि मेरे पास आ सके तो वो ब्रज धाम जो लुप्त हो चुका था वो अपने छह गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने क्या किया पुनः प्रकाशित कराया इसीलिए आज हमको पता है कि ब्रज के अंदर ये सब लीला है जहां जहां पे हुई 84 को जो ब्रज मंडल हमको प्राप्त है दो गिफ्ट महाप्रभु स्वयं दिए बाकी उनके शिष्यों ने दिए कौन से दो गिफ्ट राधा कुंड और श्याम कुंड ये किसी को पता नहीं था ये राधा कुंड और श्याम कुंड है महाप्रभु जब गए कौन सा ग्राम था वो अरिष्ट ग्राम जहां अरिष्टासुर का वध अरिट ग्राम वैसा बोलते हैं अरिट गांव वहां पे महाप्रभु गए देखा खेत के अंदर धोली पुकुर और काली पुकुर दो है बस और खेत के लोग पानी लेकर के उसे खेती कर रहे हैं ना और महाप्रभु देख करके वो दो बस खेत में जो गड्ढा कैसा होता है उसको देख करके हम भी देखे होंगे अभी हम नवदीप मंडल में जाते हैं ना वहां एक जगह आता है कौन सी जगह विद्यानगर से पहले आता है ऋतु द्वीप के अंदर उसको बोलते हैं राधा कुंड नहीं है राधा राम कुंड कैसा खेत के अंदर बीच में जा करके है लेकिन ये राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रकट किया किसने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने एकदम उल्लास से नृत्य किया लेकिन किसी ने डेवलप नहीं किया था उसके बाद लेकिन कम से कम प्रकाशित हो गया राधा कुंड और श्याम कुंड किसी को पता नहीं था कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड धोली पुकुर काली पुकुर बस यही है यही जानते थे कि पानी लेकर के रोज लोग अपना क्या कपड़ा धो रहे उससे खेती कर रहे उस पानी से ये महाप्रभु स्वयं दिया बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहां भजन किया जमींदार के बेटे थे ऐसे थे वो लेकिन भजन में ऐसा रुचि था मैनेजमेंट करने में उनका रुचि नहीं था लेकिन राधा प्रादी ने आकर के उनको सपने बोला कि ये हमारे कुंड है जो है इसको डेवलप करो ताकि आगे आने वाले लोग जो है तो बोले क्या किया जाए तो वृंदावन से जीव गोस्वामी को पकड़ करके लेके आए जीव गोस्वामी एक्सपर्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर
तो फिर सारी लिखा पढ़ी की वहां पे और बाद में उस धाम को जो है डेवलप करने का मतलब राधा कुंड और श्याम कुंड तो ये सब महाप्रभु का गिफ्ट जो हमको प्राप्त हुआ हमें तो लगता दिल्ली वासी तो बोलते चलो गाड़ी पकड़ के दो घंटे में जमुना एक्सप्रेस वृंदावन पहुंच जाएंगे ऐसे नहीं पहुंच सकते अक्रूर तो मथुरा से गए थे पूरा दिन चिंतन करके लेकिन सिर्फ चैतन्य महाप्रभु कृपा से ही कोई वृंदावन जा सकता है क्योंकि उन्हीं की कृपा है जिनके द्वारा हमको जो है ये ब्रज प्राप्त हुआ है ब्रज धाम और तो चौथा गिफ्ट वृंदावन धाम और पांचवा जो है महाप्रभु के पार्षद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एई छे गोसाई करी चरी एई छे गोसाई करी चरण बंदन जहां होइते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण एई छे गोसाई जार मुई तार दास तासंवार पद रेणु मोर पंच ग्रास तांदेर चरण सेवी भक्त सने वास जनमे जनमे होय एई अभिलाष तो ये छह गोस्वामियों को जो दिया उन्होंने और अन्य सब पार्षदों को जिसकी वजह से हमको गुरु परंपरा के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो है प्राप्त हो रहा है उनके पार्षद देखिए स्वयं भगवान को आकर के संन्यास लेना पड़ा जमीन पे सोते थे जो है संन्यास धारण करते थे सुंदर केश उन्होंने जो है उड़ा दिए और श्री गोपाल कृष्ण महाराज रविवार को ईस्टर का लेक्चर दे रहे थे बोले महाप्रभु ने 4000 मील 4000 माइल पद यात्रा किया उन्होंने मैं पहला पदयात्रा महाप्रभु ने चालू किया होगा उसमें नित्यानंद माधवेंद्र कीर्तन करते हुए 4000 माइल महापुरुष पैदल चले थे पूरे भारत को डुबाने के लिए कृष्ण प्रेम के अंदर ऐसा तपस्या तो महाप्रभु भगवान को स्वयं करना पड़ा कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अब सोचिए मतलब हमारा अल्टीमेट कलयुग के जीवों का डिग्रेडेशन और भगवान की कृपा की लिमिट कलयुग के लोगों का जो है उनके पतिता के अंदर अधमता के अंदर बढ़ोतरी होती है भगवान की कृपा में बढ़ोतरी होती है इसीलिए कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञ सार भागिना है इसलिए जो गुणज्ञ लोग हैं वो क्या करते हैं सारभागी लोग क्या है कलिम सभा जयंत आर्या वो कलयुग की पूजा करते हैं कलयुग के लोगों की नहीं है ना कलयुग के लोगों की तो निंदा करते हैं लेकिन कलयुग के लोगों के सौभाग्य की वो उपासना करते हैं क्या सौभाग्य है इनका देखो महापतित मतलब पूरा पेपर लीक कर दो आप एग्जाम के अंदर उसके बाद भी जो है क्वेश्चन पेपर ही बता दिया फिर भी 10 नंबर ज्यादा नहीं आने वाले इन लोगों के है ना 100 में से तो केवल और कृपा एक ही चीज इनको डिलीवर कर सकती है वो क्या है ग्रेस मार्क्स है ना कृपा जो है इसलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो केवल और केवल और उसके बाद नित्यानंद प्रभु को आना पड़ा बलराम होइल और निताय उसको कैसे प्रेम देना पड़ा मार्क है ये प्रेम दय दयाल तो नहीं है उसको भी मार खा के खून बहा के दूसरों को कृपा दिया उन्होंने ये दयालु है भगवान उसके बाद में अपने पार्षदों को जो जो गोलोक में मंजरी है श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद जो रूप मंजरी है अन्य अनंग मंजरी है ये सब आती है रूप सनातन गोस्वामी के रूप में मुसलमानों की नौकरियां करते हैं जेल में रहते हैं हमको ही कृष्ण प्रेम देने के लिए ये है कृपा चैतन्य महाप्रभु की उनका त्याग केवल और केवल हमारे लिए हरिदास ठाकुर को कोड़े सहन करने पड़ते हैं ताकि वो नामाचार्य बन के हमको सिखा सके खंड खंड हो जय जाय जदि प्राण तब तो न बदने आमी छाड़ी हरि नाम कि किस प्रकार हरिनाम का जप करना चाहिए जो है ये महाप्रभु के उपहार है हमारे के लिए यू नो कृष्ण नाम ब्रज ब्रज प्रेम कृष्ण नाम और कृष्ण शिक्षा कृष्ण धाम और कृष्ण पार्षद जो उनके पार्षद है जिनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं भक्ति क्या होती है कल मैं कुछ भक्तों से आश्रम बैठा था बोले कल गौर कथा बोलना है प्रभु जी आप बहुत हैवी शीर्षक लेते हो पिछली बार छोटा हरिदास लिया था उससे पहले दामोदर पंडित लिया था जो है तो एकदम घबराहट हो जाती है मैं बोला नहीं ठीक है वो सुनने में हैवी लगता होगा लेकिन ये देखिए महाप्रभु कैसे अपने पार्षदों के साथ डीलिंग करते हैं उनके द्वारा धर्म की स्थापना करने के लिए तो महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ही ज्यादा उनको बहुत पीड़ा भी होती है अपने साथ महापुरुष स्वयं शिफ्ट होते हैं जगन्नाथ पंडित को बड़ा दुख लगता है महापुरुष जमीन पे सो रहे हैं तो एक गद्दा लेके आ जाते हैं महापुरुष बोलते नहीं स्वीकार करते उसे तो इसीलिए जो है इस प्रकार से ये चैतन्य महापुरुष के और उनके अनुयायियों के गिफ्ट है हमें हम क्या कर सकते हैं महापुरुष क्या उपहार दे सकते हैं गौर पूर्णिमा के अंदर कुछ दे सकते हैं क्या दे सकते हैं आपको लगता है हम बदले में कुछ दे सकते हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम इसके बदले में कोई इस उपहार के बदले में क्या कोई दे सकता है बताइए
हमारी कोई औकात नहीं है कि महाप्रभु को हम कुछ दे सके, है ना। सिर्फ भगवान की जो कृपा है, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार कर सकते हैं। कलयुग के लोग इतने ठीठ है, इतना उपहार मिलने के बाद भी बोलते नहीं चाहिए, तो बस ये नहीं होना चाहिए। जो उपहार, भक्ति का जो उपहार उन्होंने दिया है, इसको स्वीकारने में हमें, इसको स्वीकार करने के लिए हमें जो है हिचक नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु बड़े चिंतित होते हैं जो है इस विषय के बारे में, और कह रहे हैं, प्रभु कहे आमी विश्वम भर नाम धरी नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व भरी। मेरा नाम विश्वम्भर है, नाम सार्थक कब होगा, जब पूरे ब्रह्मांड का भगवत प्रेम से भर दूंगा। तो फिर ऐसे सोचते सोचते महाप्रभु जो हैं, अगर समय बचा तो मैं इस विषय को लेता हूं, व्हाट विल प्लीज हिम। तो मैंने इसमें पांच चीजें लिखा है कि किस प्रकार से महाप्रभु के दिए गए इस उपहार को स्वीकार कर सकते हैं, और स्वीकार करने मात्र में महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। बस चलो मैं गिफ्ट देने आया था, लोग तो कस्टमर तो मिले कोई लेने वाले जो इसको स्वीकार कर रहे हैं, केवल हमारा स्वीकार करना महाप्रभु को जो है प्रसन्न कर सकता है। आवाज क्लियर है, हरे कृष्ण। तो पहला उपहार क्या है, धर्म संस्थापना हेतु साधुर व्यवहार, कि महाप्रभु धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे और अपने शिष्यों के माध्यम से धर्म के मार्ग को सिखलाते हैं। तो धर्म को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पे है धर्म, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों के द्वारा सिखाते हैं। क्या कौन अनुयायी है, वो सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंचते हैं जेल से निकल करके, वहां पे एक दक्षिण महाराष्ट्र ब्राह्मण उन्हें बोलते, जब तक आप बनारस के अंदर हो मेरे घर प्रसाद पाओ। बोलते क्यों, मैं नहीं पाऊंगा, मैं तो भिक्षा करके पाऊंगा, मैंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है, तो एक जगह पे प्रसाद लेना सही नहीं है। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि सनातन मेरे नाउंस है, लेकिन फिर जान के आज स्पेशली लगा के आया था उत्तरी, क्योंकि ऐसा ही एक कंबल सनातन गोस्वामी अपने कंधे पे लेके घूम रहे थे, उनके बहनोई श्रीकांत सेन ने उनको दिया था, और महाप्रभु देख रहे थे बार बार। ये भिखारी होकर वैराग्य आसन धारण करके इतना महत्व कीमती कंबल लेके घूम रहा, पर देखते थे, कुछ कहते नहीं थे। और सनातन गोस्वामी समझ गए जो है ना, सनातन वैराग्य प्रभुर आनंद अपार, भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। तो महाप्रभु आनंद हुआ कि इतने वैराग्य धर्म का कड़ता से पालन कर रहे, लेकिन बार बार देख रहे थे, भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। लेकिन सनातन गोस्वामी को बोलना नहीं पड़ा, सनातन जानी ला ए प्रभु रे ना भाय, भोट त्याग कोरी बारे चिंती ला उपाय। वो समझ गए इसका त्याग करना है, गंगा के किनारे गए और बदल करके वापिस आ गए। जो है ऐसे ही गदाधर पंडित जो है, हम सब अभी गए थे कटक के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जहां गदाधर पंडित ने क्या लिया था, क्षेत्र संन्यास, और महाप्रभु ने उनको जो है गोपीनाथ जी का विग्रह दिया सेवा करने के लिए। और महाप्रभु जब वृंदावन जाने लगते हैं बंगाल के माध्यम से, तो बहुत सारे भक्त, अनेक अनेक लाखों लाखों हजारों भक्त महाप्रभु साथ जाते हैं, उनमें एक कौन होता है, गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित साहब जाने लगते हैं, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ी है प्रभु निषेध ला, जाने लगते तो महाप्रभु बोलते, अरे भाई क्षेत्र संन्यास लिए हो, ये क्षेत्र पूरी श्री क्षेत्र छोड़ के नहीं जा सकते। तो गदाधर पंडित कहते हैं, पंडित कहे जहां तुम्हें सही नीला चल, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ कर असा तल। बोले जहां आप भाई नीला चले भाड़ में जा क्षेत्र संन्यास। तो प्रभु कहे इहा कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शन। तो प्रभु कहते हैं यहां रहकर गोपीनाथ की सेवा करो, तो बोले कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शन, आपके चरणों का दर्शन हो गया तो करोड़ों बार गोपीनाथ की सेवा हो गई। तो महाप्रभु कहते हैं, सेवा छाड़ी बे आमाय लागे दोष, यहां रहा सेवा करो हमारा संतोष। यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो लोग दोष देंगे, देखो इस चैतन्य की वजह से गदाधर ने अपना नियम तोड़ दिया। तो पंडित कहते हैं, सब दोष हमारा ऊपर, तोमा संगे ना जाइबो जाइबो एकेश्वर। आपके साथ नहीं जाता, अकेले जाऊंगा, थोड़ा एक किलोमीटर पीछे चलूंगा बस, क्या और क्यों जा रहा हूं बंगाल। आई के देखी ते सब जाइबे ना जाइबे तोमा लागी, आई को देखने, आई मतलब सची माता को देखने के लिए जाऊंगा, आपके थोड़े जा रहा हूं, तो लोग नहीं बोलेंगे कि आपके साथ आ रहा हूं। तो महाप्रभु क्या बोले, अंदर से तो बहुत खुश हो गए महाप्रभु, पंडित तेरे गौरांग प्रेम बुझा ना जाए, किसी को समझ नहीं आएगा उनका गौरांग भाव से क्या प्रेम था। महाप्रभु अंदर से बहुत संतुष्ट, लेकिन बाहर से रोष करते हैं। और कटक आने के बाद महाप्रभु उनको पकड़ करके लेके आते हैं, बोलते हैं, प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी वे ए तो मारा उद्देश्य से सिद्ध हईला।
छाड़ी आईला दूर देश हो गया उद्देश्य पूर्ण प्रतिज्ञा छोड़ दिया शीर्ष तो जगना तू छोड़ दिया अब क्या करो ये तुम्हारा उद्देश्य से सिद्ध हईला छाड़ी आईला दूर देश आ गए अब सुनो आमार संगीते रहित चाह बांछा निज सुख तोमार दुई धर्म जाए आमार है दुख सुख आमार है दुख बोलो मेरे साथ आने की इच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है इंद्र तृप्ति की इच्छा है यदि मेरा सुख चाहते हो अपना सुख त्याग करके वापस नीलाचल चले जाओ ऐसा भयंकर आदेश दे दिया और बस बोल दिया आगे मत बोलना नाव पे बैठे और महानदी पार करके निकल गए और पंडित गादा मूर्छित वहां पे विलाप कर रहे हैं और सारम भट्टाचार्य को बोल दिया इनको ले जाना नीलाचल वापस जो है तो वहां पे सारम भट्टाचार्य सिद्धांत बताते हैं और महा भागवतम का श्लोक कोट करते हैं कि देखो भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया भीष्म प्रतिज्ञा की पालन क्या की प्रतिज्ञा को रखने के लिए उसी प्रकार से आप महाप्रभु के साथ केवल अपने विरह के बारे में सोच रहे हो लेकिन महाप्रभु हैज अ हायर पर्पस आपको लगता है महाप्रभु का आपसे कोई प्रेम नहीं है महाप्रभु आपसे विरह सहन कर सकते हैं रोज दोपहर में तुम्हारे यहां आकर के तुमसे भागवत श्रवण करते थे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें महाप्रभु से प्रेम है लेकिन महाप्रभु अपने मिशन के लिए उस प्रेम को त्याग करके सहन कर रहे हैं और जा रहे हैं जो है उनको कितना दुख होगा और इस दुख को ध्यान रखते हुए तुम वापस नीलाचल जाओ कि उनके मिशन के ऊपर बाधा नहीं आनी चाहिए है ना क्यों इसलिए साथ जाना सिर्फ निज सुख है और महाप्रभु अपना निज सुख छोड़ रहे वो नहीं दिख रहा तुम्हें है ना तो ऐसा सारमर्थ्य उनको संभाल करके वापस लेके जाते हैं तो धर्म का पालन करना नियमों का पालन करना जो है ये महाप्रभु को एक प्रसन्न करता है ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसंग मैं तो सुबह जब पढ़ रहा था पढ़ करके हिल गया रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रसंग को इतना जो है समय बहुत लगा किस पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है महाप्रभु जगन्नाथपुरी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु पहले 5 दिन तो उनको गोविंद जो है महाप्रभु का महाप्रसाद देते हैं 6वें दिन से वो सिंह द्वार पे खड़े हो जाते हैं भीख मांगने के लिए और ऐसा भीख मांगते हैं और इधर से फिर शिवानंद सेन के हाथों उनके पिताजी और चाचा जो है पैसा भेजते हैं कुछ तो उसको रखते हैं 2 साल तक महाप्रभु को प्रत्येक दिन 2 दिन फिक्स था महाप्रभु वहां उनके घर प्रसाद पाते रघुनाथ दास गोस्वामी उस पैसे से प्रसाद बनाते थे जगन्नाथ का महाप्रसाद लेके आते थे और 2 साल बाद बंद कर दिया उन्होंने बुलाना तो महाप्रभु पूछे सरो दामोदर गोस्वामी से क्या हो गया रघुनाथ तो क्यों बंद कर दिया तो बोले कुछ होगा मन के अंदर तो उसको समझ में आ गया तो महाप्रभु बोले हाँ बहुत अच्छा किया उसने बंद कर दिया क्यों पिताजी और चाचा का पैसा लेता रहा विषय ये अर्ध खाया मलिन है मन मलिन मन पावे ना कृष्ण होवे कृष्ण स्मरण कि विषय का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है तो बहुत अच्छा किया रघुनाथ ने लेकिन आजकल सिंह द्वार पे खड़ा नहीं होता तो बोले अभी क्या करता है वो जाता है और जो चैरिटेबल बूथ है वहां से प्राप्त करता है महाप्रभु ने बहुत बढ़िया बहुत अच्छा किया उसने क्यों क्योंकि सिंह द्वार पे खड़ा होना तो क्या है वैश्यावृत्ति के समान है हम बहुत प्रसन्न होते हैं महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान जहां देखी तहां प्रीत है ना गौर भगवान और उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद देखा उधर पुलिस बूथ वो पुलिस बूथ कह रहा हूं ये चैरिटेबल प्रसाद बूथ के ऊपर भी प्रसाद नहीं पा रहे अब क्या कर रहे हैं बोले वहां से जाकर के जो अन्न को गाय नहीं खाती उसको धो करके रात के अंधेरे में जाकर के रघुनाथ खाते हैं तो हम वहां को इतने प्रसन्न हो गए और फिर वहां जाके स्वयं उस अन्न को लिया और बाद में क्या दिया उस जगन्नाथ को गोवर्धन शिला और गुंजमाला दिया उन्होंने देखिए यू नो आसक्ति रखिए भौतिक आसक्ति तो महाप्रभु कृपा प्राप्त नहीं होगी दो चीज चॉइस है आपको यू नो या तो महाप्रभु कृपा या भौतिक आसक्ति तो ये जो है धर्म का पालन करना और विशेषकर जो है जिस आश्रम के अंदर आप वहां रह के भक्ति के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है और यदि दो उदाहरण तीनों उदाहरण वैसे वैराग्य आश्रम के लिए है खासकर जो भक्त ब्रह्मचारी और संन्यास आश्रम के हो उनको शिक्षाओं का अवश्य पढ़ना चाहिए और पालन करना चाहिए ताकि सही स्टैंडर्ड तो स्थापित हो पता तो लगे सही स्टैंडर्ड क्या है कि नहीं दूसरा सदाचार का पालन करना महाप्रभु का जो हम क्या उपहार दे सकते हैं वैष्णव सदाचार का पालन करना सनातन गोस्वामी एक बार महाप्रभु ने दोपहर के समय मध्यान्ह के समय उनको बुलाया जमेश्वर टोटा के अंदर सनातन गोस्वामी रहते थे हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल के अंदर तो दो रास्ते थे सिंह द्वार के रास्ते जाए या समुद्र के रास्ते जाए सनातन गोस्वामी जो है सिंह द्वार के रास्ते जाते हैं और महाप्रभु पूछते हैं उनसे कौन पथ आईला तुम कौन से रास्ते से आए तो बोले सिंह द्वार से नहीं आया समुद्र के रास्ते से आया बोला क्यों क्योंकि जगन्नाथ के सेवक सिंह द्वार के आसपास चलते रहते हैं अगर मेरा स्पर्श कर लेते दर्शन कर लेते अपवित्र हो जाते सेवा में कंटेमिनेशन आ जाता तो इसीलिए मैं समुद्र रास्ते से आया महाप्रभु कह रहे आपके पैर में इतने गर्म फोड़े हो गए ऊपर गर्म सूर्य और नीचे तपता हुआ बालू
तो बोले नहीं मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा तो महाप्रभु बोलते हैं यद्यपि यो बहुत सुंदर प्रयार है उसके अंदर बोलते हैं यद्यपि हो तुम्ही हो जगत पावन तोमा स्पर्श पवित्र हो यो देव मुनि गण तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हय साधुर भूषण मर्यादा लंघन लोक करे उपहास इह लोक परलोक दुई हय नाश मर्यादा राखिले तुष्ट कैल मोर मन तुम अच्छ ना करिले करे को न जन हे प्रिय सनातन यद्यपि तुम हो जगत पावन तुम पूरे ब्रह्मांड को धार करने के पालन कर रहे हो करने लायक हो तोमा स्पर्श पवित्र हय मुनि देवगण और आपके स्पर्श से देवता उन्हीं प्रपवित्र हो जाते हैं तथापि भक्त स्वभाव तो ये जगन्नाथ के सेवक तुम्हारे साथ कंटेमिनेट होंगे कहीं ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी भक्त का स्वभाव है मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधु भूषण वैष्णव मर्यादा का पालन करना साधु का भक्त का भूषण है और यदि मर्यादा का लंघन करता है तो लोक करे उपहास यह लोक परलोक दुई है नाश और फिर कह रहे मर्यादा राखी ने तुष्ट कैल मोर मन मर्यादा को रखने तुमने मेरे मन को तुष्ट कर लिया देखिए कविराज गोस्वामी ऐसे ऐसे पासवर्ड देते हैं चैतन्यताम के अंदर कि चैतन्य महाप्रभु के मन को प्रसन्न क्या करता है और तुम ही ऐसे ना करीले करे कौन जन ऐसा तुम नहीं करोगे तो और कौन सिखाएगा अपने उदाहरण को एस्टेब्लिश करना इस प्रकार से और ऐसे ही एक और लीला आती है जहां पे जगदानंद पंडित एक जूनियर थे और सनातन गोस्वामी बोल रहे देखो महाप्रभु बार बार मेरा आलिंगन करते हैं मेरे शरीर बस फोड़े खून निकल रहा है सब बड़ा मेरे को दुख लग रहा है जगन्नाथ पंडित बोलते देखो जगन्नाथपुरी आना था महाप्रभु दर्शन प्राप्त करना था हो गया अभी अभी और तुमको सेवा कहाँ दिया था पोस्टिंग तुम्हारा प्लेसमेंट वृंदावन में हुआ था तो वहां चले जाओ तो बोले बड़ा अच्छा उपदेश दिया तुमने मेरे को जो है बड़ा सुंदर जो है उपदेश दिया है ऐसा ही करूंगा मैं अच्छा तो जो है जगदानंद पंडित ने तो जगदानंद सनातन गोस्वामी महाप्रभु से बोले कि जो है तुम सॉरी कि मैं जो हूं वृंदावन जाने का प्रयास कर रहा हूं और जगदानंद पंडित ने मुझे यही आदेश दिया है तो जो है जगदानंद पंडित ने आमी युक्ति पूछिला वृंदावन जाते ते हैं उपदेश दिला तो बोले जगदानंद पंडित ने मुझे ये सलाह दिया है तो महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए बोले कलिकार बटवा जगह ऐसे कर भी है ला तो मां सभा रे उपदेश करी ते लागिला व्यवहारे परमार्थ तुम्हें तार गुरु तुल्य तुम्हारे उपदेश न जाने अपन मूल्य बोले वो तो कल का छोकरा है कली कालेर बटुआ जगह ऐसे गर्वी है ला इतना घमंडी हो गया तुमको आदेश देने लग गया ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए वैष्णव परंपरा के अंदर जो है कि वरिष्ठ भक्तों को आदेश ना दिया जाए उनको सलाह ना दिया जाए बिना मांगे ऐसे गर्वी है ला तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुमको उपदेश देने के लिए सक्षम मानता है और तुम तो उसके गुरु तुल्य हो फिर भी ऐसा दुस्साहस करता है तो सनातन गोस्वामी बोले महाप्रभु जो है मैं अपने दुर्भाग्य को नहीं समझ पाया क्यों आप जगदानंद पंडित को तो अपना समझ के डांटते हो और मेरे को अपना नहीं मानते इसलिए प्रशंसा देते हो हर बार ऐसा बोल रहे तो महाप्रभु एकदम देखिए क्या लॉजिक है उनका महाप्रभु भी एक बार जो है ईवी के एम्बेरेस्ड शर्मिंदा हो गए बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है लेकिन क्या है मैं वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन नहीं सहन कर सकता तो ऐसे महाप्रभु हर एक जगह पे और भी जो है यही चैतन्य महाप्रभु वैष्णव मर्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते एक लीला आती है जगन्नाथपुरी के अंदर एक भक्त आते हैं एक साल उनका नाम था परमेश्वर मोदक वो बचपन में निमाई को मोदक करता लड्डू कन्फेक्शनर संदेश इत्यादि दिया करते थे और ये महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं और बोलते हैं मेरे साथ कौन आई है मुकुंदार माता मेरी पत्नी भी आई है लेकिन मुकुंद की माता कविराज गोस्वामी कहते हैं मूर्ख आदमी इसको नहीं पता सन्यासी के महाप्रभु सामने कैसे आचरण करना चाहिए स्त्री का नाम ले रहा है वहां पर लेकिन कहते हैं महाप्रभु देखिए जानते थे कि परमेश्वर बोधक का वात्सल्य प्रेम है निमाई के प्रति और उन माता का वात्सल्य प्रेम है तो बोलते महाप्रभु हालांकि एक बार ऑकवर्ड लगा ऐसे उन्हें लेकिन उन्हें रोका टोका नहीं परमेश्वर बोधक से बहुत प्रेम से मिले तो महाप्रभु जानते हैं जहां प्रेम की बात आती है वहां पर रीति रिवाज भी नहीं आता अन्यथा महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है वैष्णव सदाचार के प्रति कि सदाचार कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए
तो दो प्रकार से महाप्रभु के मन को तुष्ट कर सकते हैं, पहला धर्म का पालन करके, दूसरा धर्म का पालन करके, और तीसरा तो जो हमारा सिद्धांत है नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा जो है। हरिदास ठाकुर के बारे में हमने बताया कि इतना पिटाई होने के बाद भी वो नाम नहीं जब नहीं छोड़ रहे हैं। श्रीवास ठाकुर का पुत्र मर गया तब भी संकीर्तन नहीं छोड़ा उन्होंने। कोलापिता श्रीधर के पास कोई कुछ संपत्ति नहीं, कपड़े में छेद, छत में छेद, लेकिन उसके बाद भी जप कर रहे हैं। और पुंडरीक विद्यानिधि अपार धनी एकदम, वो भी जप कर रहे हैं। मेन चीज है संकीर्तन करना, हरि नाम का जप करना, जो है नामे रुचि भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करना, ये महाप्रभु का तीसरा। ये अगर हम हरि नाम का जप, यही तो महाप्रभु देने के लिए आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार लिया और तथी लागी गौपीत वर्ण गौर अवतार, चैतन्य अवतार उसको देने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। और वही गिफ्ट हम लेने से मना कर रहे, नाम जप करते हुए कोई सो रहा है, किसी किसी का महामंत्र चेंज हो जाता है, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, वो जल्दीबाजी के अंदर हाय कृष्ण हरे राम कुछ भी निकलता है। यू नो वी चैट सो इनअटेंटिवली, तो आपको लगता है महाप्रभु बोलेंगे जो गिफ्ट देने के लिए आया, खिचड़ी पूरा पका के दे दिया फिर भी खा नहीं रहा, कपड़े में गिराता है, कोई कान में गिरा रहा है। अब मान लीजिए माता जी आई और प्लेट के अंदर बहुत सुंदर 10 आइटम बना करके, छोले भटूरे और सब हलवा वलवा सब बना करके लेके आई, और बेटा बेचारा एक एक चपाती उसमें निकालता है, जब यहाँ जमीन पे गिराता है, दूसरा कपड़े पे गिराता है, तीसरा गर्दन पे गिराता है, चौथा सर पे सजा लेता है, तो कैसा लगेगा माता जी का बताइए? अच्छा लगेगा ना माता जी, बताइए आपको कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा, अरे भाई इतने प्रेम से बनाया, इतना मेहनत किया और ये फेंक रहा है, ऐसी बर्बाद कर रहा है, उसके बाद अपना कपड़ा भी गंदा कर रहा है। ऐसी भगवान को लगता है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाई नो, मनुष्य जन्म दे दिया राधा कृष्ण, गोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मी लो के नेता है। तो इतना मैंने कृपा कर दिया, उसके बाद भी तुम लोग बर्बाद करने में एक्सपर्ट हो, कृपा को जितना मत देते रहो। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था सिंह का दूध केवल और केवल सोने के पात्र में ही रह सकता है, तो कम से उस पात्रता को हमें बनाना पड़ेगा महाप्रभु के, जो हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा इस गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए। कैसे कोमल होगा वो? नाम का जप करके, दूसरा वैष्णव सेवा करके। वैष्णव में दोष दृष्टि देख कर कभी महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। दोष देखना तो केवल अहंकारी लोगों का कर्तव्य है, उनका धर्म है दोष देखना, निंदा करना। खासकर भक्त कैसे भी हो, यू नो प्रशिक्षित हो, अशिक्षित हो, ट्रेंड हो, अनट्रेंड हो, मेच्योर हो, अकाम हो, सकाम हो, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, आपका दायित्व नहीं है उनमें दोष देखना। आपको ठेका नहीं दिया महाप्रभु ने दोष देखना, वो गुरु का काम है, भगवान का काम है। क्यों दोष देख करके हम महाप्रभु के हृदय को ठोस पहुंचाते हैं? बार बार दोष देखो उनके अंदर और उतना ही हमारा नुकसान होता है ना। प्रताप रुद्र महाराज ने पूछा, जब वो मसाज करते जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, तो महापूजे भूरिदा जना बाद में बोले कौन हो तुम? तो प्रताप रुद्र क्या कह रहे हैं, राजा कहे आमी तो मा दासे रानो दास, भृत्य रो भृत्य करो एई मोर आशा। मेरा परिचय क्या है? राजा कहे आमी तोमार दासेर अनुदास, मैं आपके दासों का दास हूँ, भृत्य रो भृत्य करो यही मोर आश। मेरी अभिलाषा क्या है? आपके सेवकों का सेवक बनाओ। कैसा भी भक्त है, हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या दिया हमें? उनकी सेवा करना। यही दृष्टि रखिए, कैसे इस वैष्णव की सेवा कर सकता हूँ, कैसे उस वैष्णव की सेवा कर सकता हूँ, ये मत देखिए इसकी करूँ या उसकी करूँ, नहीं, मैं वैष्णवों का सेवक हूँ। और ऑफकोर्स वैष्णव जो प्रथम है वो है दीक्षा गुरु या जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से करें, लेकिन उस सेवा करते हुए हमेशा वैष्णव प्रसन्न करना जो है मेरा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। तांदेर चरण से भी भक्त सनेवाद, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते थे और एक स्थान था जहां चरण धोते थे, किसी को उस जल को लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन एक भक्त आया बड़े चाव से, नाम था क्या, कालिदास, आया आराम से आया, महाप्रभु ने चरण धोया, सामने सामने एक बार उठाया पी गया, देख रहे भाई क्या हो रहा है, दूसरी बार उठा रहा और पी गया, तीसरी बार उठा लगा तो महाप्रभु ने मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो भक्त थे जिन्होंने गिन गिन के वैष्णव का लिस्ट बनाया हुआ था और फिर बाद में टिक लगाते थे, इस वैष्णव का उच्चिष्ट महाप्रसाद मैंने प्राप्त कर लिया है, और बड़े प्रेम से खाते थे और नए नए टेक्निक निकालते थे, कहते महाप्रसाद मिलेगा भक्तों का उच्चिष्ट। और कई बार लोगों में छिया झपटी होती है, लेकिन ये गए जदू ठाकुर के पास, जदू ठाकुर तो थे शूद्र परिवार के, ये कालिदास थे ब्राह्मण परिवार के, अब उनसे कैसे जूठन मांगेंगे? तो उनके घर गए क्या लेकर के, आम लेकर के, और जब जदू ठाकुर वगैरह ने भगवान को भोग लगा करके आम को खाया और पत माता जी ने जो है छिलके विलके सब बाहर जाके फेंक दिए, तो वहां जा करके झाड़ी में छुप करके वो छिलके गुठली खा रहे हैं। तो महाप्रभु जानते थे इस बात को, अंतर्यामी है, तो क्या किया, आया तो चरणामृत लेने को अलाउ कर दिया,
और दोपहर में कालिदास महाप्रभु प्रसाद पा रहे थे, गंभीरा खिड़की के सामने देखा कौन खड़ा है, कालिदास गोविंद प्रसाद बाके उच्चिष्ट बोला है, बाकी आधा का आधा जो बचा है उच्चिष्ट सब किसको दे दो, कालिदास को। ऐसा कृपा महाप्रभु का चाहिए तो हृदय को तो बनाना पड़ेगा ना, दोष देख करके आपको मिल जाएगा महाप्रभु का कृपा क्या, कभी नहीं मिलने वाला। हम रह करके भी इस्कॉन में रहकर भक्तों के संग में रहकर भी संग नहीं करेंगे उस कृपा से वंचित रह जाएंगे। और महाप्रभु ने स्वयं का परिचय क्या दिया, ना हम विप्रो न च नरपति ना पी वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति ना वनस्थी यतीर्वा किंतु क्रोध्या निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तुह पद कमलयो दास दासानुदासः। ना ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं न वैश्य हूं शूद्र हूं ना मैं ब्रह्मचारी हूं ना गृहस्थ हूं ना वानप्रस्थ संन्यास हूं, मैं क्या हूं, कृष्ण के सेवकों ने गोपी भर्तुह कृष्ण गोपियों को मेंटेन करने वाले उनको सेवकों का सेवक हूं, बनने का प्रयास कर रहा हूं, ये हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, यही महाप्रभु अपनी आइडेंटिटी मानते हैं। हमें लगता नहीं बॉस मैं कुछ का सेवक हूं या बस अब मेरे सेवक है, नहीं मैं हर वैष्णव का सेवक हूं, चाहे वरिष्ठ हो कनिष्ठ हो संवर्गीय हो कभी भी हो, मेरा दायित्व उनकी सेवा करना, वैष्णव सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तीसरा क्या है, जीवे दया। आप भगवान से तो प्रेम करते हैं लेकिन भगवान के पिछड़े हुए जो संतान है उसे प्रेम नहीं करते, जिस उन बद्ध जीवों को पकड़ने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए, त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यत गाधरण्यम माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बोले बद्ध जीव कहां भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावत, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। मतलब पेशेंट को मना किया, टाइफाइड के पेशेंट को पराठा मत खाओ समोसा मत खाओ, उनके पीछे भाग रहा है और डॉक्टर भाग रहा है उसके लिए मत खा। ये स्थिति है कलयुग के अंदर पेशेंट्स की और डॉक्टर की, मतलब आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं। ऐसे महाप्रभु वंदे महापुरुषते चरणारविंदम जो है और यहां हम भक्त बैठे जो प्रचार करने के लिए रुचि नहीं लेते, इसीलिए महाप्रभु ने 9वें अध्याय के अंदर जो है आदि लीला के अंदर महालीला आती है, महाप्रभु कह रहे मैं अकेला माली हूं कितने फल बांटूंगा, मैं चाहता हूं इस जगत के सारे लोग कृष्ण भावना भावित हो, और उसका दायित्व किसको दिया, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। यहां नहीं बोला हम इंग्लैंड देश जन्म या अमेरिका देश मनुष्य जन्म जार, नहीं भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत में पैदा हुए सभी मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, पहले अपना जन्म सार्थक करो, कृष्ण प्रेम को आस्वादन करो और कृष्ण प्रेम को बांटो, कृष्ण बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और क्योंकि भारतवासियों ने इसको नेग्लेक्ट किया है, केवल और केवल आज पूरे विश्व में उपद्रव उसके सारे दायित्व केवल और केवल भारतवासियों को जाता है कि हमने अपने धर्म को अपने दायित्व को नहीं निभाया है। क्योंकि इस देश के अंदर जहां थोड़ी दूरी पे जाओ तो कोई तीर्थ स्थल मिल जाएगा, भगवान का मंदिर मिल जाएगा, पवित्र नदियां मिल जाएंगी, इतना फैसिलिटी होते हुए भी हमने भगवान को जो है दुत्कार दिया है, हमें नहीं चाहिए। आप जहां भारत देश के अंदर तो भगवान बिना चाहते हुए भी कोई नहीं भी चाहता होगा तब भी मेट्रो में जाता हो बोल देगा केशवपुरम जनकपुरी द्वारका रोहिणी, नहीं चाहते हुए भगवान का नाम ले लेगा ये भारतवर्ष। लेकिन भारतवासी ऐसे क्या बोले ढीठ लोग हैं, ये लोग भगवान के एकदम पास खड़े हैं लेकिन वहां से मुंह फेर लिया उन्होंने, तभी तो प्रभुपाद जी को जाकर के विदेश से सफेद हाथी पकड़ के लाने पड़े वैष्णव को, तब जाके लोग सीख करे। और आज भारतवासी स्वीकार कर रहे हैं लेकिन भारतीयों के अंदर वो मिशनरी भावना आज भी नहीं है जो प्रभुपाद जी के शिष्यों विदेशी शिष्यों के अंदर थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बड़े मंदिर तो हैं, बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है और बड़ी सुविधा भी है सब प्रकार से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुरा नहीं मानेगा लेकिन मैं सच बोलूं तो हम में से बहुत भक्तों के अंदर मिशनरी स्पिरिट बहुत कम है कि इस आंदोलन को जा करके आगे प्रचार करना है। कष्ट सहन करने की जो एबिलिटी है या जो इच्छा है वो बहुत कम है, कंफर्ट में रह के हमसे जो करा लो कर लेंगे, लेकिन जहां पर संकट आएगा वहां बोलेंगे भगवान इतना ही होगा ऐसा है। तो इससे महाप्रसन्न जीवे दया, जिसके लिए स्वयं रूप और सनातन जो है मंजरियां गोलोक वृंदावन से आके मुसलमानों की सेवा कर रही हैं, तो है क्या उनके लिए हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, ये महाप्रसन्न करेगा यदि हम उनके द्वारा गिफ्ट को नाम की रुचि के द्वारा जो है आस्वादन करेंगे, उनके द्वारा दिए गए पार्षदों के संग में रहकर संकीर्तन करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जीवे दया जो है दिखाएंगे, तो श्री धर्म निश्चित रूप से हमसे प्रसन्न होंगे।
और किसी प्रकार से उनके दिए गए कृपा को स्वीकार कर सकते हैं सदाचार के माध्यम से धर्म पालन के माध्यम से हरि नाम की शरण ग्रहण करके वैष्णवों की सेवा करके और जो शिक्षा प्राप्त हुई है अन्यों को प्रचार करके नम्रता और सहिष्णुता की भावना से अपना दी बेस्ट दे करके तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो तो ये पांच गिफ्ट महाप्रभु ने जो हमें दिए और पांच प्रकार से उन गिफ्ट के हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं ये मेरा चर्चा था धन्यवाद हरे कृष्ण जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि कोई प्रश्न होता है पत्तरी पूछ लीजिएगा हरे कृष्ण
Mm-hmm.